महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती बन गई। दशकों से बीएमसी पर कब्जा जमाए रखने वाली शिवसेना इस बार कुछ ज़्यादा ही परेशान है। एक तरफ उद्धव ठाकरे को सरकार में सहयोग करने वाली पार्टियां अलग चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार बड़ी चुनौती मिलने वाली है। बीएमसी चुनाव में भाजपा इस बार ठाकरे के किले में सेंध लगाने की तैयारी में जुटी है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका तय की और महाराष्ट्र में शिवसेना को पछाड़ दिया, कुछ उसी तरह इस बार बीएमसी के चुनाव में भी भाजपा की जीत की संभावना बढ़ गई है, जिसके कारण उद्धव ठाकरे की सरकार बीएमसी के बाड़ों का परिसीमन कर अपने लिए जीत का रास्ता तैयार करने में लगी हुई है। दरअसल साल 2017 के बीएमसी चुनाव में भाजपा और शिवसेना के बीच सीटों का अंतर काफी कम हो गया था। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में शिवसेना को जहां 97 सीटें मिली थी, वहीं भाजपा ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को उस चुनाव में 29 और एनसीपी को 8 सीटें मिली थी। इस साल होने वाले बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने अलग लड़ने का फैसला किया है, जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार शिवसेना के साथ गठबंधन को तैयार है। लेकिन एनसीपी का बीएमसी में कमजोर आधार है, जिसके कारण शिवसेना को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना के गठबंधन के बाद से भाजपा का आधार पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। इससे उद्धव ठाकरे घबरा गए हैं और अब परिसीमन पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं। इसके लिए महाविकास आघाड़ी की सरकार ने पहले बीएमसी के सदस्यों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 कर दी और फिर बाड़ों की सीमा निर्धारण करने का फैसला किया। शिवसेना के नेताओं का कहना है कि पिछली बार 2016 में हुए परिसीमन के कारण 45 वार्ड की सीमा भाजपा के अनुकूल हो गई थी, जिसके कारण इसमें 30 सीटों पर भाजपा की जीत भी हुई। अब इसे फिर से बदलने की जरूरत पड़ रही है ताकि शिवसेना और कांग्रेस को इसका फायदा मिल सके। कांग्रेस की ओर से भी परिसीमन की मांग की जा रही थी, लेकिन भाजपा ने ठाकरे सरकार के इस फैसले का विरोध किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि उद्धव ठाकरे की सरकार राज्य चुनाव आयोग को प्रभावित करके बाड़ों की सीमा अपने अनुकूल तय कर रही है। इस कारण भाजपा के दो कारपोरेटर ने उद्धव ठाकरे के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। हालांकि अपील खारिज हो गई, लेकिन ठाकरे सरकार के इस फैसले से इतना तो पता चलता है कि शिवसेना को बीएमसी चुनाव में हार का डर सता रहा है। उद्धव ठाकरे को ऐसा लग रहा है कि अगर कोई तिकड़म नहीं की गई तो इस बार बीएमसी पर भाजपा का कब्जा हो जाएगा और विधानसभा की तरह बीएमसी में भी भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी, जिसका अगले विधानसभा चुनाव में बड़ा असर हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।